बछड़ी है उनके लिए छोटा घर बनाया हुआ है सर। हम चाहें तो ये हमेशा इसमें ये कली करते रहें तो मैं कैल्शियम की कमी कभी पशु में नहीं होगी। हम और करते हैं जो ये कली है ये 2 से 3 महीने में प्रॉपर हम करते रहते हैं। कली राजस्थान की भाषा ना थोड़ी में बहुत ज्यादा कुछ कह जाती है, पर ऐसा नहीं हो जाता कि कोई नीचे चुम्बक लगा दिया जाए। कई बार क्या होता है सारे के अंदर कोई लोहे का टुकड़ा जाता है। और हमारे साथ सर जुड़े हैं, सर से पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, एक बार अपना पता दे दो। मेरा नाम रमेश चौधरी, मैं कृषि विज्ञान केंद्र सरदार सर चोरू से। सर अपनी यह डेयरी फार्म पालन की यूनिट है और ये जो खोर बनाई गई है ये इस हिसाब से डिजाइन की गई है जिसमें मिट्टी निकल जाए, और क्या क्या पर्पज है जिस तरह इसके अंदर जो लोहे की जो सिस्टम लगा हुआ है। सर ऐसा नहीं हो जाता कि कोई नीचे चुम्बक लगा दिया जाए। कई बार क्या होता है सारे के अंदर कोई लोहे का टुकड़ा जाता है, उसको चिपक के रह जाए, उसमें ना जाए, ऐसा भी तो सिस्टम हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक जो अभी किसान साथी अभी ट्रेंड में है कि जो भी किसान साथी अपने फोडर क्लीनिंग मशीन खरीदते हैं, ड्राई फोडर क्लीनिंग मशीन, तो चारा छानने की मशीन, पहले हम एक चालने से छानते थे, अब उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन आया कि चारे छानने की मशीन 8 से 10 हज़ार रुपये पर किसान प्रति घर में अपना इन्वेस्ट करता है। उसकी बजाय यदि वो अपना नया स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो वो पैसे इन्वेस्ट ना करके नॉर्मल ऐसी अपनी जो ठान बनाए, ठान में 2 चीजें प्रॉपर रखे। एक तो ये बांटे के लिए स्पेशली हमने ये छोटे साइज का बनवाया। बांटा क्या होता है सर? बांटे का मतलब है बांट, जो पशु को हम सारा खिलाते हैं, जो जो ढोकली बोलते हैं जिसको, ये राजस्थान की भाषा है। हाँ। भाइयों मैं समझाता हूँ आपको, जो हम पशुओं को खिलाते हैं जैसे खल खिलाते हैं, चाट खिलाते हैं, वो उसको बांटा बोलते हैं। वो एक छोटी लैंग्वेज है, जितना हम ये नहीं कहते अंबर अंबर, इससे ही समझाते हैं ना, वो भाषा है राजस्थान की। और राजस्थान की खूबसूरती, राजस्थान की भाषा यानी थोड़ी बात में बहुत ज्यादा कुछ कह जाती है। तो डेयरी फार्म की यूनिट मैं आपको दिखा रहा था, सरदार शहर चूरू केंद्र में वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है। दूसरा ये इसमें जाली लगवाए जिससे जो जितने भी डस्ट वगैरह है या फिर जो कचरा वगैरह है, मिट्टी के कुछ कण है, वो नीचे निकल जाए और जिसमें हमारे खर्चा ना करना पड़े। साथ ही प्रॉपर हमें हो सके कोशिश करें अपने गाय के लिए या भैंस के लिए एक ओपन गौशाला बनाएं जिसमें छाया की व्यवस्था भी प्रॉपर हो और सर्दियों के टाइम पे धूप की व्यवस्था भी हो। साथ में हमने यहाँ एक छोटा पानी के लिए खेल बनाई हुई है और इसका ये है कि जब भी पशु को अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी पीना हो वो अपना पानी पी सकता है। वो खुला रहेगा तो पानी भी पी लेगा अपने आप। इसमें एक सर हम और करते हैं जो ये कली है, कली करते हैं जिससे पशुओं में एक समस्या रहती है कि कई बार पशु अपना दीवार को चाटने लग जाता है। हाँ। तो वो उससे क्या है कि पोषक तत्वों की उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती है जो इसमें? कैल्शियम की कमी होने के कारण पशु में अंदर कैल्शियम कमी होने के कारण कई रोग भी हो जाते हैं उससे। तो वो उसका यही है कि वो अपनी जो भी दीवार है उस दीवार को चाटने लगे, तो या तो उसको यूरिया मोलासिस ब्रिक्स जो बाजार मिलती है UMB ब्रिक्स, वो आप अपने को खिलाना चाहिए, या अपने सेंधा नमक की भी बात करें कई बार तो वो भी हम उसका खिला सकते हैं। प्रॉपर डेयरी में कहीं रख दें या उसकी ठाण में बठल के रूप में रख दें। बिल्कुल। और उसके अलावा यदि हम चाहें तो ये हमेशा इसमें ये कड़ी करते रहें तो मैं कैल्शियम की कमी कभी पशु में नहीं होगी। और यह ये इसके दूसरा ये है कि इसमें कभी कीड़े मकोड़े वो थोड़ी संभावना है कि कम रहे। तो किसान भाइयों ये भी गजब की जानकारी दी है। मैं आज कृषि विज्ञान केंद्र सरदार शहर से आपके साथ जुड़ा था, और कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी देखना चाहते हो तो भी देखो, कृषि विज्ञान केंद्र आपके नज़दीक है तो नज़दीक देखो, वरना आप सरदार शहर आके देख सकते हो कि कैसे अपने पशुओं को रख रखाव करते हैं, कैसे अपने पशुओं को रख रखाव करते हैं। देखो हम अगर ना देसी तरीका आजमाए रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक हम नहीं चल पाएंगे। हमारे बुजुर्गों का अलग सिद्धांत था, वो अलग तरीके से काम करते थे, वो पानी में पिलाने के लिए रेगुलर रहते थे, वो ध्यान रखते थे कि भाई 2 घंटे बाद पानी पिलाना है, 4 घंटे बाद पानी पिलाना है। परंतु इन्होंने तो उसका सिस्टम ही खोल दिया कि आप खुले अपने पशु को रखो, जिससे उसको ये भी नहीं होगा कि हम कहीं से बंधे हुए हैं, और वो अपना पानी भी पीता रहेगा, चलता भी रहेगा, और जिससे पशु भी तंदुरुस्त रहेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। हमारे गायों के लिए हमने सर एक व्यवस्था, छोटे छोटे 2 पंखों की व्यवस्था भी कर रखी है, जो हमारे यहाँ हीट का ज्यादा प्रभाव रहता है तो इसलिए उनको थोड़ा ठंडक महसूस हो सके। उसी के साथ यदि हम बात करें सर, हमने हमारे छोटे बछड़े बछड़ी है उनके लिए छोटा घर बनाया हुआ है सर। वो अपने हिसाब से अंदर खुले रह सकते हैं और उनको भी जिस प्रकार से पानी की जब आवश्यकता हो वो अपना पानी पी सकते हैं। और अंदर इनका रहने का छोटा सा घर है, अपना छाया यदि उनको चारा खाना हो या फिर अपने कोई और आराम से बैठना हो तो वो
अंदर बैठ सकते हैं, और यदि गर्मियों में टाइम पे यदि उनको धूप लेनी हो तो बाहर वो धूप में भी बैठ सकते हैं। सही बात और है। अभी हम पेड़ पौधे भी पास में लगा रहे हैं, तो ये इनसे भी इनके छांव रहेगी, छांव रहेगी और प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। तो किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बता दें। मैं आपका दोस्त भीम भारद्वाज आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ, इसलिए आप मुझे फॉलो करके रखें ताकि मैं आगे आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।